सो ही गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलजी डीलर्स में। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद खान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेट वाली पेंट की स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं वो बताएंगे। तो दोस्तों, हमने पेंट की कटिंग कर ली थी। यदि दोस्तों आपको प्लेट वाली पेंट की कटिंग करना नहीं आता है तो हमने उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप प्लेट वाली पेंट की कटिंग करना आसानी के साथ सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साइड पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने पॉकेट का कपड़ा ले लिया है। कपड़े की लंबाई हमारी 14 इंच है और चौड़ाई है 7 इंच। दोस्तों, इस कपड़े को हम सीधा बिछाएंगे। सीधा बिछाने के बाद जो हमने फ्रंट का पल्ला जो पेस्टिंग किया हुआ है उसको इसके ऊपर सीधा रखेंगे। और दोस्तों, जो हमने साइड में चटके लगाए हुए हैं उन चटकों से रख के आधा इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा देंगे। यदि दोस्तों आपको प्लेट वाली पेंट की पेस्टिंग करना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक भी हमने आई बटन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप पेंट की पेस्टिंग करना सीख सकते हैं। तो इस तरीके से चटका लगा लेंगे। चटका लगाने के बाद दोस्तों, ये जो हमारी जाती है तो इसमें हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, पॉकेट का मुंह बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पॉकेट को रखेंगे। अच्छी तरीके से नाखून मारने के बाद एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पॉकेट का मुंह बना लिया है। अब दोस्तों, जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है उसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, पॉकेट का जो हमारा कपड़ा है उसमें हम राउंड देंगे नीचे। दोस्तों, इसको हम उल्टा फोल्ड करेंगे। उल्टा फोल्ड करने के बाद हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेके सिलाई लगा देंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों, हम इसमें लपकी या पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं। तो सिलाई को लगा लेंगे। दोस्तों, पल्ले को हम अच्छी तरीके से जमा के बिठा लेंगे। बिठाने के बाद दोस्तों, ये जो हमारी साइड है इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी पॉकेट बन गई है। अब दोस्तों, ये जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेटों पे हम अंदर की तरफ से सिलाई लगाते हैं जिससे हमारी प्लेट जो है बिखरे ना। तो इस तरीके से हम इसको अंदर से सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो दोस्तों, इस तरीके से हम पल्ले को बना लेंगे। दोनों पल्लों को हम इसी तरीके से बना लेंगे। दोस्तों, हमने दोस्तों फ्लाई में इंटरलॉक कर ली है। इंटरलॉक करने के बाद दोस्तों, जहां पर हमारा चटका लगा हुआ था उस चटके को हम उठा लेंगे। अब दोस्तों, हम इस फ्लाई की स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं वो बताएंगे हम आपको। तो दोस्तों, जब हम पेंट की कटिंग करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है फ्लाई का वो साइड से निकल आता है। तो उस कपड़े को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस तरीके से अस्तर पर फिलाई को रख के जबाएंगे। दोस्तों, ध्यान रहे कि फिलाई हमारी हमेशा जबाबी बनती है। तो इस तरीके से हम कपड़े को रख के जबाबी बनाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और इस पर लपकी सिलाई लगाएंगे। ये दोस्तों हमारी लेफ्ट साइड की फिलाई है। अब दोस्तों, हम राइट साइड की फ्लाई बनाएंगे। तो इस तरीके से हम राइट साइड की फ्लाई को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों, हम इसमें लपकी सिलाई लगा लेंगे। अब दोस्तों, हम इसको पक्का फोल्ड करेंगे। दोस्तों, इसमें हमारी चेन अटैच होती है।
चेन को हम लेंगे और इसमें हम अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से आप दोनों फिलाइयों को बना लेंगे। बनाने के बाद अब दोस्तों हम आपको पल्ले में फिलाई अटैच किस तरीके से करते हैं। तो लेफ़्ट साइड का पल्ला हमने लिया है, जहाँ से हमारा चटका है वहाँ से हम फिलाई को रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद फिलाई को हम इस तरीके से पलटेंगे और इस पर लपकी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी लेफ़्ट साइड वाले पल्ले में फिलाई अटैच हो गई है। अब दोस्तों राइट वाली फिलाई हम अटैच करेंगे। तो राइट में हमारी चैन वाली फिलाई अटैच होती है, तो इस तरीके से हम आधा इंच पल्ले को तोड़ेंगे और दोस्तों जहां हमारा चैन का लॉक है और इस चटके को हम वहां से रखेंगे और इसे लप्स की सिलाई से अटैच कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे दोनों पल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों हम आपको बैक की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों बैक में हम आपको पॉकेट बनाना नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने पॉकेट का वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना दिया है। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप पॉकेट की स्टिचिंग करना आसानी के साथ सीख सकते हैं। बैक पल्ले को सीधा रखेंगे और फ्रंट पल्ले को हम उल्टा रख के साइड लगा लेंगे। दोनों पल्लों में हम इसी तरीके से साइड लगा लेंगे। साइड लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग इसमें लपकी सिलाई लगाएंगे। मार्जन है वो बैक की तरफ जाता है, तो इस तरीके से हम इसमें लपकी सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट पर हम टाकी बांध के अच्छी तरीके से लपकी सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम दोनों पल्लों में सिलाई लगा लेंगे। अब दोस्तों बेल्ट को हम किस तरीके से अटैच करते हैं वो बताएंगे। तो दोस्तों हमने बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है। यदि दोस्तों आपको बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना नहीं आता है, तो उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि बेल्ट को हम किस तरीके से अटैच करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा और दोस्तों जहाँ जहाँ हमारे ये चटके लगे हुए हैं वहाँ पर हम लुपियों को अटैच कर देंगे। दोनों पल्लों में हम लुपियों को अटैच कर लेते हैं। पहले बेल्ट को कच्चा कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने दोनों बेल्टों को कच्चा कर लिया है। अब दोस्तों हम एक बेल्ट को आपको पक्का करके दिखाएंगे। तो इस बेल्ट में हमारी टिकट पॉकेट लगी हुई है, इस बेल्ट को हम पक्का करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जितने में हमारा टिकट पॉकेट लगा हुआ है, तो टिकट पॉकेट को बाहर निकाल कर उतने पर हम लपकी सिलाई लगा लेंगे पहले से, और लुपियों को भी आधा इंच की टाँकी से अटैच कर लेंगे। अब दोस्तों बेल्ट को हम पक्का करते हैं। तो जो बेल्ट का हमारा मार्जन है इसको हम ऊपर रखेंगे और ऊपर रखने के बाद हम इसमें लपकी सिलाई से इसको पक्का कर देंगे।
तो दोस्तों इस सिलाई को हम यहाँ तक लगाएंगे जहाँ पर हमने पॉकेट की सिलाई लगाना शुरू की थी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम लुपियों को टांकी बांध लेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको लुपी अटैच के इस तरीके से करते हैं पक्का। तो इस पे लप की सिलाई लगाएंगे बेल्ट में और इस तरीके से लुपी को दबाते चले आएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको दोनों बेल्टों की स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम बेल्ट को रखेंगे और जितनी हमारी कमर है उतना हम मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया है। अब दोस्तों हम साइड की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम पाँचों को बंद करेंगे। इतना मार्जिन हम ऊपर से निकाल के एक सिलाई को हम इस तरीके से आधी दूर तक लगा लेते हैं। अब दोस्तों एक सिलाई हम और लगा लेंगे इसी के ऊपर जिससे हमारी जो गदरी है वो मजबूत हो रहे। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से दोनों पाँचों में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसकी दर्ज चीर लेना है। अब दोस्तों जो हमारे चैन फ्लाई वाला हिस्सा है उसको हम उल्टा रखेंगे और जिसमें हमारी फ्लाई केबल अटैच है उसको हम सीधा करके इस पाँच के अंदर डाल देंगे। अब दोस्तों हम किस तरीके से गैदरिंग जोड़ते हैं तो चलिए वो देखते हैं। जो हमने कमर का मार्क लगाया हुआ है उसको हम उठा लेंगे। उठाने के बाद हम सिलाई से इसको कच्चा कर लेंगे। तो बेल्ट को भी हम बराबर रखेंगे और इस तरीके से चैन फ्लाइयों को हम बराबर करके चैन में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने चैन में सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों चैन को हम बंद करके देख लेंगे जो हमारी बेल्ट है बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमारी बेल्ट बिल्कुल बराबर आ रही है। अब दोस्तों इसकी जो गिदरी है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम जो चैन की फ्लाई है उसको मोड़ ले के इसमें हम सिलाई लगा देंगे अच्छी तरीके से। तो दो सिलाइयां हम लगाएंगे जिससे हमारी जो गिदरी है वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। Thank you.
अब दोस्तों हम फिलाई किस तरीके से बनाते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इस तरीके से हम पल्ले को रखेंगे, ये जो फिलाई है हम इसको रखेंगे इस तरीके से कर, इस पे लग की सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमारा चैन का लॉक है उससे पहले हम सिलाई को रोक लेंगे। इस तरीके से हमने सिलाई को रोक लिया है। सिलाई को रोकने के बाद ये जो हमारी फिलाई है इसको हम इस तरीके से हटा लेंगे। हटाने के बाद दोस्तों हम इसमें फिलाई बना लेंगे। अब दोस्तों इस फिलाई को हम इस तरीके से रख लेंगे और एक सिलाई हम और लगाएंगे थोड़ी दूर तक और टांकी बांध लेंगे, जिससे जो हमारी फिलाई है वो टांकी बन जाए उसमें। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी फिलाई की स्टिचिंग हो गई है। अब दोस्तों हम हुक किस तरीके से लगाते हैं, चलिए वो देखते हैं। इस तरीके से सेल्फ को मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद हम इस एक और हम लगा लेंगे। इस तरीके से हम हुक लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पैंट की स्टिचिंग हो गई है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल एल टी टेलर्स पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल एल टी टेलर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एल टी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पैंट की स्टिचिंग हो गई है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।